हे गाइस वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए कंपैरिजन टेस्ट मतलब कंपैरिजन वीडियो में। सॉरी, यहाँ पे आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2024 Hyundai i20 Asta ऑप्शनल वर्सेस 2024 i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल। अब ये दोनों i20 फेसलिफ्ट वर्जन है एंड स्पोर्ट्स ऑप्शनल आप सभी लोग जानते हो कि हाल ही में Hyundai ने लॉन्च किया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है क्योंकि यहाँ पे आपको सनरूफ देखने को मिलेगा और उसके यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है जो आपका बेसिकली स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलता और प्राइस में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को आने वाला नहीं है। हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आज मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय बर्बाद किए। इन दोनों गाड़ियों का प्राइस आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ ये दोनों गाड़ी है 2024 Hyundai i20 facelift Asta ऑप्शनल वर्सेस स्पोर्ट्स ऑप्शनल। अब दोनों गाड़ियों का डिजाइन तरफ देखेंगे और डिजाइन वाइज यहाँ पे आपको सेम ही मिलता है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हेडलैम्प्स की तरफ देखते हो तो हेडलैम्प्स आपको Asta जो ऑप्शनल है यहाँ पे आपको LED सेटअप दिया गया है जो आपको रिफ्लेक्टर LEDs है, तो ये आपको डेटा रनिंग लाइट्स के साथ देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। आप इस हेडलैम्प को अपग्रेड कर सकते हो लेकिन ये वाला जो हेडलैम्प है इससे आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। दोनों गाड़ियों में आपको इंडिकेटर सामने हेडलैम्प्स के सेक्शन पे ही माउंटेड देखने को मिलता है एंड दोनों गाड़ियों में आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे जो स्पोर्ट्स ऑप्शनल का जो DRL है वो आपको ऐसा नीचे देखने को मिलता है, हेडलैम्प्स के साथ आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी दोनों गाड़ियों का जो ग्रिल है ग्रिल भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, ब्लैक कलर का ग्रिल आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। Hyundai का लोगो भी आपको दोनों गाड़ियों में बॉनेट के ऊपर देखने को मिलता है एज यू कैन सी। एंड अगर आप लोग बॉनेट एरिया की तरफ देखेंगे तो बॉनेट एरिया में आपको कैरेक्टर लाइन देखने को मिलता है, विंडशील्ड में आपको वाइपर देखने को मिलेगा। इस वाले गाड़ी में भी आपको कैरेक्टर लाइन देखने को मिलता है, विंडशील्ड में आपको वाइपर देखने को मिल जाता है। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार, आप एक बार देख लीजिए। सो यही थे इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी हम लोग जाएंगे इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल पे। सो गाइस अभी हम लोग आ गए इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल पे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों गाड़ियों में आपको बॉडी कलर मिरर्स टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिले, LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे टायर्स की तरफ देखेंगे तो टायर्स आपको प्रोफाइल सेम मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलता है। वेयर एज अगर आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको स्टाइल व्हील देखने को मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों के फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे विंडो बिट लाइन आपको क्रोम में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको विंडो बिट लाइन क्रोम में देखने को मिलता है। बाकी बी पिलर भी आपको दोनों गाड़ियों में आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलता है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल देखने को मिलेगा। बाकी ये इस वाला पार्ट में आपको क्रोम में देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट में भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। आप लोग दोनों गाड़ियों का रियर टायर देखते हो तो रियर पे भी आपको दोनों गाड़ियों का सेम मिलता है, सीएट का टायर यहाँ पे दोनों गाड़ियों पे दिया गया है। दोनों गाड़ियों में आपको 195/55 16 इंच का रेडियल टायर मिलता है लेकिन इस गाड़ी में आपको स्टाइल व्हील मिलता है, इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको EBS विद EBD देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यही था साइड प्रोफाइल के बारे में, अभी हम लोग जाएंगे इन दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल पे। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार्स। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल आपको सेम ही मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो दोनों गाड़ियों में आपको शार्क पिन एंटेना देखने को मिलता है, दोनों गाड़ियों में आपको रियर डिफॉगर देखने को मिलता है लेकिन डिफरेंस ही है। स्पोर्ट्स वेरियंट में आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरियंट में आपको कोई भी रियर वाइपर देखने को मिलता है, वेयर एज अगर आप लोग स्पोर्ट्स Asta ऑप्शनल देखते हो तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों का अगर आप लोग टेल लैम्प्स की तरफ देखेंगे तो इन दोनों गाड़ियों में आपको LED टेल लैम्प्स ऑफर किया गया, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलता है, यहाँ पे देखेंगे तो Asta की बैजिंग मिलता है, यहाँ पे आपको i20 का बैजिंग दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह आपको सेम ही मिलता है, पार्किंग सेंसर्स दिया गया, साथ में जो कैमरा है यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑप्शनल का जो कैमरा है ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी अगर आप लोग Asta ऑप्शनल की कैमरा की तरफ जाते हो तो ये भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको रियर बंपर वगैरह और रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करेंगे तो बूट आप देख सकते हो कि बूट यहाँ पे जो बूट स्पेस है यहाँ पे Asta ऑप्शनल का बूट स्पेस आपको ठीक ठाक ही दिया गया है। ऊपर में पार्सल ट्रे मिलता है, ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलता, बेंच सीट यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन में बूट लैम्प देखने को मिलेगा और शॉपिंग हुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको बोस का सब ऊपर देखने को मिलता है एज यू कैन सी। लोडिंग लिफ्ट की बात करेंगे तो लोडिंग लिफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, अगर आपके पास भारी सामान हो तो आपको उसको थोड़ा सा उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। तो यही था Asta ऑप्शनल का बूट कहानी। अभी हम लोग जाएंगे स्पोर्ट्स ऑप्शनल के बूट स्पेस की तरफ। यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑप्शनल के बूट स्पेस की तरफ जाता है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो बूट में आपको सेम
स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको बेंच सीट देखने को मिलेगा, ऊपर में पार्सल ट्रे देखने को मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ ये है, यहाँ पे आपको कोई भी बोस का जब ऊपर देखने को नहीं मिलता, ना ही आपको कोई बूट लैंप देखने को मिलता है। बाकी शॉपिंग हो आपको दोनों साइड पे ही देखने को मिलता है एज यू कैन सी। और लोडिंग लिफ्ट की बात करें तो लोडिंग लिफ्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा सा लोडिंग लिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपके पास थोड़ा सा भारी सामान है तो उसको आपको थोड़ा सा उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो यही था बूट का कहानी। अभी हम लोग जाएंगे एस्टा ऑप्शनल के इंटीरियर पे। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एस्टा ऑप्शनल के फ्रंट डोर के बारे में, तो फ्रंट डोर देख सकते हो कि दोनों डुअल टोन पैटर्न में इसका डोर पैटर्न मिलता है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पे आपको जो पावर विंडोज कंट्रोल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का कंट्रोल, यहाँ पे आपको ओआरबीएम का कंट्रोल, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दिया गया है, बॉर्डर लोडर के लिए जगह दिया गया है, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है और उसके यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एमएल लाइट भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो शाम के टाइम में ये थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा आसान है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलता है, कुछ कंट्रोल्स बात करेंगे, हेडलाइट लेवलिंग मिलता है। यहाँ पे कैमरा के लिए एक बटन दिया गया है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिलता है, बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो लेदर अप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया है, डी कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो मीडिया कंट्रोल मिलता है, इस तरफ देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल देखने को मिलता है थोड़ा सा आगे, और इस जगह पे आपको पास लाइट एंड हेडलैम्प का पूरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स आपको पूरा सीट आपको डोरटन पैटर्न में देखने को मिलता है। यहाँ पे सीट के कंफर्ट की बात करेंगे तो सीट कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सीट कंफर्ट मिलता है। यहाँ पे हेडरेस्ट की तरफ देखेंगे तो हेडरेस्ट भी यहाँ पे आपको दोनों हेडरेस्ट के एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो एडजस्टमेंट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे एस्टा ऑप्शनल के अंदर। तो ये आप लोग आगे एस्टा ऑप्शनल के अंदर, एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्लस्टर देख सकते हो कि क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालॉग एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर ये आपको लेफ्ट और राइट साइड पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिजिटल फिल और डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेशन, साथ में जो बीच में जो स्क्रीन मिलता है इसमें आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टेम्पटे, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एंड साथ में आपको कुछ और ऑप्शन देखने में, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा, ओडोमीटर दिखाएगा। टच स्क्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है। जहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्मूथनेस की बात करेंगे तो स्मूथनेस काफी ज्यादा अच्छा खासा एक स्मूथनेस यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले के साथ ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल सेंसर स्विच देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको एक डायल देगा जिसे आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दो एसी वेंट, बीच में हैजल लाइट का कंट्रोल, और थोड़ा सा नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एसी का कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जहाँ पे इससे आप लोग ब्लोअर स्पीड का एडजस्ट कर सकते हो, इससे आप लोग टेम्परेचर का एडजस्ट करते हो कि यहाँ पे एसी रिलेटेड को स्विच मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे ए टाइप चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आपको 12 का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 सीट मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट, मूवेबल आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया। आर्मरेस्ट के अंदर का जो स्पेस है, स्पेस भी काफी अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग ग्लव बॉक्स की तरफ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटीरियर का जो ओवरऑल फिनिश है, फिनिश पे काफी ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल डिमिंग IRBM मिलता है, एंड तीनों बटन के साथ SOS, RSA का बटन, ब्लू लिंक का बटन मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैसेंजर से सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, और बाकी यहाँ पे सिंगल पेन सनरूफ देखने को मिलता है। कैबिन लैम्प की बात करेंगे तो कैबिन लैम्प आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर ये आपको देखने को मिल जाता है। तो यही था पूरा एस्टा ऑप्शनल का इंटीरियर। अभी हम लोग जाएंगे स्पोर्ट्स ऑप्शनल के इंटीरियर पे। सो गाइस, अभी हम लोग जाएंगे स्पोर्ट्स ऑप्शनल के अंदर। सो यहाँ पे डुअल टोन पैटर्न में इसका दरवाजा देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में इसका डोर मिलता है। यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडोज कंट्रोल, यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल, यहाँ पे आपको ओआरबीएम का पूरा कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे आपको बॉर्डर लोडर के लिए जगह दिया गया, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देख सकते हो कि हेडलाइट लेवलिंग स्विच यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन, यहाँ पे चाबी का इग्निशन दिया गया। बेसिकली इस कार में आपको कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं आता। यहाँ पे देखेंगे तो एसी वेंट मिलता है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, द स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लेदर फिनिश देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आगे आपको वाइपर का कंट्रोल, यहाँ पे आपको हेडलाइट एंड पास लाइट का पूरा कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन पैटर्न में इसका पूरा सीट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको हेडरेस्ट तरफ देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट की तरफ देखेंगे, सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको
एडजस्टमेंट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट की देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे चाबी की बात करूँ तो चाबी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है साथ में, यहाँ पे चाबी कर देते गाड़ी को इग्निशन पे एंड जाएंगे इस कार के अंदर। सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए इस कार के अंदर। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम ही मिलता है फुल डिजिटल में एनालॉग एनिमेशन के साथ। यहाँ पे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर ये फंक्शन मिलता है, डिजिटल फ्यूल कॉस्ट, टेम्परेचर इंडिकेशन, बीच में आपको डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, एवरेज स्पीड दिखाएगा। साथ में आपको कुछ और फंक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है विद एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले। टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच रिस्पॉन्स यहाँ पे ठीक ठाक ही दिया गया, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। थोड़ा से नीचे देखेंगे तो दो एसी वेंट मिलता है, यहाँ पे हैजल लाइट का कंट्रोल, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एसी का कंट्रोल देखने को मिलता है। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जहाँ पे एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, इसे ब्लोअर स्पीड का एडजस्ट कर सकते हो, इससे आप लोग कुछ फिजिकल बटन देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, सी टाइप पोर्ट, ए टाइप पोर्ट, 12 का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है जो बेसिकली एक अपडेट है स्पोर्ट्स ऑप्शनल में। यहाँ पे देखेंगे तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स एंड साथ में यहाँ पे थोड़ा सा पीछे मैनुअल हैंडब्रेक, ट्विन कप होल्डर, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट, ये मूवेबल नहीं है लॉकेबल आर्मरेस्ट है। और साथ में यहाँ पे स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस यहाँ पे डिसेंट टाइप का एक स्पेस ऑफर किया गया है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की तरफ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है ये भी काफी अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पे आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स आराम से बैठा के ले जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलता है, पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर देखने को मिलता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको IRBM मिलता है एंड साथ में आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पे आपको कैबिन लैंप जो आपको हैलोजन में दिया गया है। मेन जो हाईलाइट है स्पोर्ट्स ऑप्शनल में वो है इसका सनरूफ। इस गाड़ी में आपको सनरूफ ऑफर करती है हुंडई ने इस गाड़ी में सनरूफ ऑफर कर दिया है जो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज यही था पूरा फ्रंट इंटीरियर। अभी हम लोग जाएंगे एस्टा ऑप्शनल के रियर सीट पे। सो गाइज अभी हम लोग जाएंगे एस्टा ऑप्शनल के रियर सीट पे। रियर सीट पे जाने से पहले डोर्स की तरफ देखेंगे तो डुअल फिनिश में इसका डोर मिलता है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, पावर विंडो का कंट्रोल, स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल रन पैटर्न में इसका सीट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीटिंग कम्फर्ट की बात, सीटिंग कम्फर्ट ठीक ठाक यहाँ पे दिया गया, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। एंड बीच में देखेंगे तो दो एसी वेंट, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है और उसके साथ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो ऊपर में आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, साथ में आपको रियर पे कैबिन लैंप मिलता है जो आपका हैलोजन में दिया गया है। तो गाइज यही था एस्टा ऑप्शनल का रियर सीट। अभी हम लोग जाते हैं स्पोर्ट्स ऑप्शनल के रियर सीट के अंदर। सो गाइज अभी हम लोग जाएंगे स्पोर्ट्स ऑप्शनल के रियर सीट पे। रियर सीट पे जाने से पहले यहाँ पे आपको डुअल टोन पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में इनसाइड डोर हैंडल, पावर विंडो का कंट्रोल, स्टोरेज स्पेस है, हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, बॉटल होल्डर के लिए जगह दिया गया, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स में यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है। डुअल टोन पैटर्न में इसका सीट दिया गया है। यहाँ पे सीटिंग कम्फर्ट्स आर प्रीटी गुड, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। बीच में देखेंगे तो बीच में आपको एसी वेंट मिलता है बीच, और उसके साथ आपको एक ए टाइप पोर्ट मिलेगा और साथ आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, बेसिकली फोन वोन आप चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर में देखेंगे तो कैबिन लैंप मिलता है और जो रूफ है रूफ आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। तो गाइस यही था पूरा स्पोर्ट्स ऑप्शनल का रियर सीट के बारे में। आप चलते हैं दोनों गाड़ी के वर्डिंग पे। सो गाइस दिस वाज माय डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द i20 फेसलिफ्ट एस्टा ऑप्शनल वर्सेस स्पोर्ट्स ऑप्शनल। अब यहाँ पे अगर आप लोग दोनों गाड़ियों का वर्डिंग देखते हो तो इन दोनों गाड़ी में आपको 130,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स ऑप्शनल जो वेरियंट है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे वो फीचर्स मिलता है जैसा आपको एस्टा ऑप्शनल में भी देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, बट वो उतना ज़्यादा नेसेसरी फीचर्स भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग, आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है तो आप ये वाला वेरियंट पर जा सकते हो। बाकी अगर आपको सब फीचर्स के साथ ये पूरा गाड़ी चाहिए तो आप लोग एस्टा ऑप्शनल पे जा सकते हो। तो यही था कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हम दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा, और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी सवाल के मन में आ रहा हो तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव। से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।